हैं झुंझुनू के सूरजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सूरजगढ़ में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की ही पिस्टल छीनकर बदमाशों ने फायरिंग की और एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई है। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और दो बदमाशों के पैरों में लगी गोली। कुलौट डकैती मामले में पकड़े थे पुलिस ने आरोपी। इन आरोपियों को मौका तस्दीक कराने के लिए ले जा रही थी पुलिस। घायलों को सूरजगढ़ से लाया जा रहा था झुंझुनू के लिए। झुंझुनू बीटी के अस्पताल में पुलिस का जब्ता तैनात किया गया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ से है इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर दो बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम झुंझुनू संवाददाता सुजीत शर्मा से हम लाइव जुड़ते हैं। जी सुजीत, क्या बदमाशों को इस वक्त अस्पताल में ले आए हैं और क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दूं कि सूरजगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के अंदर है जो झुंझुनू पुलिस का एक जवान है, उसके भी गोली लगी। आपको बता दूं कि विवेक ठाकर नाम है पुलिस का जवान, है उसकी गोली लगी। साथ ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग के अंदर फायरिंग किया, जिसके अंदर दो बदमाश है वो घायल हुए हैं। और आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बीडी के हॉस्पिटल है, बीडी के हॉस्पिटल का आपातकालीन कक्ष है, इसके अंदर बदमाशों का इलाज चल रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस के जवान है उसका भी इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि मौके के ऊपर है झुंझुनू एसपी मर्दुल कछवा, खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पूरे बीडी के हॉस्पिटल को छावनी के अंदर तब्दील किया गया है। जी जी सुजीत, तो इस वक्त बदमाशों का इलाज चल रहा है और क्या अभी स्थिति आपके सामने आई है, क्या स्थिर बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुलिस बदमाशों को लेकर आज मौके तस्दीक करने के लिए जा रही थी। उसी दरमियान पुलिस के हथियार छीनकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके अंदर पुलिस के एक जवान की गोली लगी। उसी के अंदर पुलिस की जवाबी फायरिंग के अंदर दो बदमाशों की गोली लगी है, जिसके अंदर कुल तीन लोग घायल हुए। दो बदमाश घायल हुए, एक पुलिस का जवान है वो घायल हुआ है। और तीनों घायलों का पहले प्राथमिक उपचार सूरजगढ़ के अंदर किया गया था, उसके बाद झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में उन्हें लेकर पुलिस यहां पे पहुंची है। और बीडी के हॉस्पिटल की मोटी है इमरजेंसी कक्ष है, उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। और झुंझुनू एसपी मर्दुल कछवा खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे बीडी के हॉस्पिटल को छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया है। इमरजेंसी के अंदर किसी भी आम आदमी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जी जी धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल झुंझुनू का ये जो बीडी के हॉस्पिटल है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे लाइव झुंझुनू से, जहां पर बदमाशों को अस्पताल में ले जाया गया और इमरजेंसी में फिलहाल दो बदमाश जिनके पैर में गोली लगी और उनके साथ साथ एक पुलिसकर्मी जिसको भी गोली लगी और घायल हो गए हैं, उनका भी इलाज फिलहाल जारी है वहां पर।